आज आप भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंबेडकर छात्रावास हॉस्टल में आए हैं सर, और रोहित वेमुला की शहादत दिवस है, क्या कुछ छात्रों के बीच मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रोहित वेमुला इस देश के सभी छात्रों के लिए एक संदेश देकर गए हैं कि आप लोग जो करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग लड़िए, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो आपको हमेशा परेशान करने के लिए, मारने के लिए और आपकी हत्या करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वो चाहता है कि आप उसके खेतों में काम करें, उसके टट्टियां सर पर धोने का काम करें, लेकिन रोहित वेमुला ने बताया कि हम लेखक भी बनेंगे, हम सितारों की भी बात करेंगे, हम साइंटिस्ट भी बनेंगे, हम जरूरत पड़ी तो इस देश का नेतृत्व भी करेंगे। मुझे लगता है छात्र जो है वो आज के डेट के अंदर हम देख लें कि देश के अंदर जितना भी आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व छात्र कर रहा है, चाहे UGC ऑक्यूपाई हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे वो जामिया के अंदर हिंसा हुई उसके ऊपर आंदोलन हो, चाहे NRC CEO को लेकर जो हो रहा है, इसको छात्र लीड कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि छात्र किसी से डरता नहीं है, ठीक है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, छात्र वो खरीद नहीं सकते। इसके लिए छात्रों की अहम भूमिका होती है कि वो लोग देश में पनप रही जो अनरेस्ट है, जो संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही, वो छात्र अब एक साथ आएँ, क्योंकि जिस प्रकार छात्रों ने गांधी बिहार के खास तौर पर एक इतिहास कि बिहार ने इंदिरा के शासन को उखाड़ फेंकने का काम किया था, तो बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि वो अच्छे अच्छे तानाशाहों को सबक सिखा चुकी है, और मुझे लगता है कि बिहार से फिर एक आवाज़ उठी, उनसे लोगों को बड़ी अपेक्षा है पूरी दुनिया में। सर, NRC CA पे आपने लंबी बात कही, अमित शाह भी कहते हैं कि ये जो NRC है नागरिकता देने का बिल है, लेने का नहीं, इस पर आप छात्रों के बीच क्या कहना चाहेंगे? ये किस ढंग से छात्रों के साथ चीट या नागरिक साथ चीट हो रहा है? देखिए, अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, दरअसल वो क्रोनोलॉजी नहीं समझा रहे, वो क्रिमिनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर। CAA नागरिकता देने का प्रावधान तो है, लेकिन किसे? हमें कोई आपत्ति नहीं, आप किसे भी नागरिकता दे सकते हैं, पर आप मुसलमानों को क्यों नहीं देना चाहते? क्या पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुसलमान है उनके साथ शोषण नहीं हो रहा है? क्या म्यांमार के अंदर जो लोग हैं उनके साथ शोषण नहीं हो रहा है? क्या यहाँ नेपाल में जो मधेसियाँ हैं, हिंदू हैं, उनको क्या उनके साथ शोषण नहीं हो रहा है? और जो तमिल श्रीलंका में जो हमारे तमिल भाई हैं, क्या उनके साथ शोषण नहीं, उनको क्यों नहीं दे सकते? तो दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं ताकि इस देश के अंदर वो हिंदुत्व की एक ज्वाला को जगा सकें, क्योंकि ये हर फ्रंट पे फेल है, रोजगार पे फेल है, इकोनॉमी पे फेल है, भुखमरी पे फेल है, और देश का जो फॉरेन पॉलिसी उस पर पूरी तरह फेल है। अभी एक खबर आई है, लगभग $500 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था वो इंडिया से हटकर चाइना चला गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई, और देश TV पर आप रोज से पाकिस्तान 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 की बात सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये लोग आपको एक नैरेटिव भी सेट करने का काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो आने वाले हैं वो दलित लोग हैं, तो मैं उन दलितों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां आकर करिएगा क्या, यहां उससे भी बुरी स्थिति है। तो मुझे लगता है कि CAA पर सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। CAA, NPR और NRC तीनों एक ही कानून है, तीनों एक ही कानून के तीन स्ट्रक्चर हैं, जिनको अलग करके नहीं एक साथ देखा जाना चाहिए। और चूंकि जब NRC होगा पूरे देश के अंदर, अमित शाह कह चुके हैं सदन के अंदर, कहा NRC करेंगे, और चूंकि जब NRC होगा तो उसका जो पीड़ित होगा, उससे जो परेशान होगा, वो गरीब होगा, घुमंतू होगा, बंजारे होंगे, किसान होंगे, भूमिहीन आदिवासी लोग होंगे, महिलाएं होंगी, LGBT कम्युनिटी के लोग होंगे, तो ये जो लोग हैं ये देश का लगभग 70-80% का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बहुजन समाज के लोग हैं, इन सबसे ज़्यादा ये परेशान होंगे, इनको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा, और फिर ये फ्यूडल सिस्टम को लागू करेंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कानून एक ढकोसला है और हम इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आप भागलपुर आए हैं, भागलपुर तिलका मांझी की धरती रही, आंदोलन की धरती रही, लगभग 2-3 सभाएं भी आपने भागलपुर में की हैं, भागलपुर को लेकर आपका क्या अनुभव रहा, आप हमारे चैनल के माध्यम से साझा कर सकते हैं? देखिए, जो शाहीन बाग में हुआ उसकी जो ज्वाला है वो पूरे देश के अंदर आज फैलने का काम कर रही है। आप हर मोहल्लों में जाकर जो CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा है, भागलपुर में भी मैंने देखा, महिलाएं उसमें जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जो जिनको लोग कहते थे घरेलू महिलाएं, इनकी कोई समझ नहीं है, ये लोग तो सिर्फ रोटियां बनाना जानती हैं, अब वो अपने देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो अब सड़कों पर आ बैठी हैं, तो एक अच्छा शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि मोदी ने जो भी किया वो हमारे पक्ष में ही किया है, और हम लोगों को, हम सोई हुई जमात को जगाने का काम किया है, ताकि हम भविष्य में भी अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर सकें। धन्यवाद।